हेलो एवरीवन, आई एम प्रीति तोशनीवाल एंड वेलकम टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में हम इस तरह की राखी बनाना सीखेंगे। उसके लिए सबसे पहले ये फ्यूजिंग का पीस मैंने कट किया है। 2 रुपए का जो कॉइन होता है उस साइज का ये पीस है। उस पर ये जूट की डोरी है मेरे पास, पिंक कलर की। अगर जूट की डोरी ना मिले तो आप वूल भी यूज कर सकते हैं, मोटा जो वूल होता है वो यूज कर सकते हैं, या फिर बहुत सारे कलर में आजकल अलग अलग तरह की डोरियां मिलती है, वो भी आप यूज कर सकते हैं। इसे जो हमें इसके चारों तरफ इस तरह से लपेटना है ग्लू लगाकर, सर्कल को जो है डोरी घुमाते हुए इस तरह से कवर करना है डोरी से ही। आप चाहे तो फैब्रिक ग्लू भी यूज कर सकते हैं या फेविकोल भी यूज कर सकते हैं, लेकिन उसे जो है ड्राई होने में थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए हम यहाँ पर ये ग्लू गन यूज कर रहे हैं। तो इस तरह का ये एक पीस हमारे पास रहेगा। उसके बाद इसी साइज का हमने फ्यूजिंग का एक और पीस कट किया हुआ है। इसके सेंटर में हमें ग्लू लगाना है और ये गोल्डन कलर की 2 डोरी मैंने ली है। इसे जो है इसके सेंटर में हमें चिपका देना है। ये राखी बांधने के लिए जो थ्रेड होता है उसके लिए हम कर रहे हैं, और इसके ऊपर जो डोरी का हमने सर्कल बनाया है उसे इसके ऊपर पेस्ट कर देना है। इसे जो है हम अच्छे से प्रेस करके और टाइटली चिपका लेंगे। उसके बाद ये जो है इसके मैचिंग का जो डोरी और जो थ्रेड है इसके मैचिंग का ये पेच है छोटा सा। आपको मार्केट में अलग अलग वैरायटी के पेचेस मिल जाएंगे, जरूरी नहीं है ऐसा ही सेम हो। इसे जो है हमें इसके सेंटर में इस तरह से पेस्ट करना है। थोड़ा टेढ़ा हम पेस्ट कर रहे हैं, मोर पंख टाइप का ये पेच है। आप कोई भी पेच ले सकते हैं। और ये जो है गोल्डन कलर की लेस है। गोल्डन कलर की लेस में बहुत वैरायटी आती है। अगर आपको सेम ऐसी लेस ना मिले तो आप कोई भी इस तरह की लेस ले सकते हैं, और उसे जो हम इसके पीछे पूरे सर्कल में इस तरह से चिपकाना है, घुमाना है पूरे सर्कल में। अच्छे से इसे चिपकाने के बाद सेंटर का जो पीस है इस तरह का पीस हमारे पास रहेगा। ये दोनों साइड के थ्रेड में मोती डालने के लिए एक पतला थ्रेड हमने इसके साथ अटैच किया है, क्योंकि हम डायरेक्ट इसमें नहीं डाल पाएंगे नीडल को। और इस तरह से 4 ऑफ वाइट कलर के, एक गोल्डन और 4 ऑफ वाइट कलर के मोती दोनों साइड में हमें डालने हैं। और लास्ट में दोनों डोरियों को एक साथ लेकर हमें एक गोल्डन कलर का मोती यहाँ पर डालना है। और इसे जो है यहाँ पर हमें थ्रेड को टाइट करके और यहाँ पर नोट लगा देना है, ताकि पर्ल्स निकले ना और उनके बीच में गैप ना रहे। दूसरी साइड भी हमने इसी तरह से जो है मोती डाल लिए हैं। तो राखी हमारी रेडी है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपके कोई डाउट्स या सजेशंस है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए। सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए।